एड हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में शाम के 6 बजे फिर से स्वागत है आपका एक अमेजिंग और जबरदस्त सेशन में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ईशा मिश्रा, गुड इवनिंग सुमित शर्मा, विकास एंड एवरीबॉडी। जो लोग देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपको लेक्चर देखते ही, ये जो शेयर बटन है ना, इसका सही इस्तेमाल करिए और इसको शेयर करिए अच्छे अच्छे जगह पे। क्या करना है, लाइक भी करना है साथ साथ में, शेयर कर दो फिर लेक्चर स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं हो रहा, बिना शेयर बटन दबाए कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए, और सुचेता महाराणा दिख रहे हैं, मेघना ओके शेयर कर दिया क्या, बहुत अच्छा फैंटास्टिक। चलिए, विकास कुमार एंड मोहम्मद दानिश, ईशा मिश्रा, सुजाता, एवरीबॉडी। तो चलिए, अब आई विल रिक्वेस्ट माई टीम की अब इसको वैकेट किया जाए पीछे वाली जगह को, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अमेजिंग सेशन। शुभम, करण, हीरो, विकास, मोहम्मद तारिक, पुनीत, डॉक्टर जे, गौरांग, वेरी गुड, ऑर्गेनिक। अरे अरे अरे, ऑर्गेनिक मैं समझ रहा हूं सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है ना, लेकिन एक बार मैं इनऑर्गेनिक वाला पी ब्लॉक जो पोर्शन है ना, 3-4 क्वेश्चन जिससे आते हैं, इसको अगर मैं कवर करा दूं उसके बाद ऑर्गेनिक ही तो बचेगा, फिर इस पर हमला बोलेंगे और इस जितना टफ लगता है उससे ज्यादा आसान लगने लगेगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। करण हीरो, रिदा खान, रोहित राज, जल्दी से दोस्तों को तो बताओ कि कैरियर पॉइंट इज लाइव, ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों को। एक मिनट में पानी पी लूं, आप लोगों की इजाजत हो तो फिर स्टार्ट करें जल्दी जल्दी। मोहम्मद दानिश जल्दी करिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एहसान खान को गुड इवनिंग, आदिब खान को गुड इवनिंग, गिरजेश को गुड इवनिंग, एंड योर जोश इज हाई। जितना ज्यादा हाई जोश होगा उतना ही ज्यादा समझ आएगा आपको। मोहम्मद दानिश कैसे हैं, करण हीरो कैसे हैं, विकी यादव, थैंक यू सो मच। सो नाउ क्या हम स्टार्ट करें सेशन आज का अमेजिंग वाला मजेदार सेशन स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं आप सब लोग। सो देखिए, अगर आपको कोई भी आईआईटी जेई एडवांस लेवल या एम्स लेवल, नीट लेवल, जिपमर लेवल, जौन सा लेवल आपको चाहिए, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आप इस ग्रुप में एक बार पोस्ट कर दीजिए, विद इन 15-20 मिनट्स आपका रिप्लाई आ जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। चलिए, इसको इसमें जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए, इसमें बारिश होने वाला है। ओ मनोज सिंह, यू आर फ्रॉम तेलंगाना, तेलंगाना में आजकल बारिश चल रही है। चलिए, क्विज फिजिक्स का हुआ तो है, केमिस्ट्री का भी क्विज जल्दी होगा। सो एवरीबॉडी, देखो आप, हम इतने सारे टॉपिक आज कवर करेंगे और नाइट्रोजन फैमिली का हंसते हंसते द एंड कर देंगे। शशि भूषण पांडे गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कवर कर देंगे, फिर अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा एलोट्रॉप में, उससे भी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा ऑर्थो पाइरो मेटा। आप लोग रटते थे ना कि सर ऑर्थो किसको बोलेंगे, कैसे पाइरो का फॉर्मूला निकलेगा, कैसे मेटा एसिड का फॉर्मूला निकलेगा। आज एक IIM टॉपर की कहानी सुनाऊंगा। IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर एक टॉपर हुआ करता है, और उस टॉपर की कहानी सुनाऊंगा दो लाइन की स्टोरी में, पूरी ऑर्थो पाइरो मेटा आज के बाद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, आर यू रेडी टू स्टार्ट टुडे सेशन और नॉट? टुडे सेशन इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक वन गाइस, बने रहे इस सेशन में, लाइक जरूर करें। जो लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हो, आज का टारगेट लाइक कितना रखें जल्दी बताइए। बट लैगिंग कैसे हो रहा है, लैगिंग हो रहा है तो आपने जो क्वालिटी ऑफ द वीडियो है ना उसको रिड्यूस कर दीजिए, लैगिंग भी खत्म हो जाएगी। एक बार और बताओ, व्हाट इज द टारगेट लाइक? आपने पिछली बार टारगेट कंप्लीट नहीं किया था, इस बार मैं टारगेट कम कर देता हूं आपके लिए, ओनली 225, 225 लाइक का टारगेट रखते, देखते हैं आज कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। मैं अपना टारगेट जरूर कंप्लीट करूंगा, आपका टारगेट मैं देखता हूं आप कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। सबसे पहले हमने N2O3 पिछले वीडियो में हल्का सा कर दिया था, लेकिन आज शुरू से स्टार्ट करते हैं N2O3 के बारे में। सबसे पहले मुझे बताइए, N2O3 अगर आपके सामने आया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है एग्जामिनर, पता है क्या पूछता है? हाउ मेनी लोन पेयर, हाउ मेनी NO बॉन्ड, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हाउ मेनी बॉन्ड्स इन N हैज फॉर्मड, हाउ मेनी बॉन्ड्स O हैज फॉर्मड, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले मेन बेसिक चीज जो है, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सागर बिश्नोई थैंक यू सो मच, दीपक वर्मा थैंक यू सो मच। N2O3 अब रटोगे क्या इसका स्ट्रक्चर? नो, N2O3 का स्ट्रक्चर रटने की बिल्कुल नीड नहीं है। होता क्या है, देखो,
N2O3 से पहले हमने NO पढ़ा है, इसमें प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रोजन का प्लस टू वाला ऑलरेडी हम पढ़ चुके ना, NO। N2O3 में से NO माइनस करोगे तो आपको NO2 बचेगा। देखो दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ऑलरेडी निकल चुका, तीन ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल चुका तो दो ऑक्सीजन बचा, सो NO2। अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो तो आपको N2O3 का स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आइए, इन दोनों का स्ट्रक्चर को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। सो पहला स्ट्रक्चर ये रहा, दूसरा स्ट्रक्चर NO2 का ये रहा। इसके पास देखो यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे N2O3 का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। कितने नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाए हैं, देखो यहां पे नाइट्रोजन दो बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, कितने आप काउंट कर लो। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड है काउंट कर लो, नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर है काउंट कर लो, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू अगर आपको स्ट्रक्चर इसका पता है। तो स्ट्रक्चर पता है कैसे पता चलेगा, यू आर नॉट गेटिंग द ऑडियो, ऑडियो आ रही है? ठीक है, एक बार अपने रिफ्रेश कर लीजिए जो भी पढ़ रहे हैं आप। सो ये चीज क्लियर है, स्ट्रक्चर बिल्कुल, यस, डी ब्लॉक भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी, पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारी टीम डिसाइड करती है कि क्या पढ़ाएंगे, और जितना ज्यादा स्टूडेंट्स यहां आते हैं टीम उतनी ज्यादा लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आएगी। सो मेरे हाथ में नहीं है, वो टीम के हाथ में है, और टीम आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट से जज करती है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे बढ़ेंगे, अगर आपके दोस्त यहां क्लास अटेंड करने लगे, अगर आपके मोहल्ले वाले यहां क्लास अटेंड करने लगे, टीम को एक्साइटमेंट होगा, टीम को लगेगा कि अरे बहुत अच्छा, तो चलिए पैरेलल में दो क्लास स्टार्ट कर देते हैं, एंड सो ऑन। तो अपने दोस्त को जरूर बुला के लेके आइए। और जब हमने अब हमने स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा था, NO और NO2 का स्ट्रक्चर जोड़ दिया तो N2O3 बन गया। सो N2O3 बनाने के लिए इन दोनों को जोड़ा है, उसी तरह से इसका प्रिपरेशन भी होता है। बनता कैसे है, देखो बनता कैसे है, फर्स्ट सी, NO2 जो हमारा NO है, और इस NO2 को मिला दिया और टेम्परेचर कम कर दिया। एक बीकर लिया, उसमें सबसे पहले NO डाला, सो NO का काम हो गया। उस बीकर में देखो, एक बीकर लिया, इस बीकर में सबसे पहले NO डाला और ऊपर से हमने NO2 डाल दिया। केवल एक ये दोनों का कॉम्बिनेशन से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, इसका प्रिपरेशन भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो देखो अब जैसे ही इसको बंद किया, और बंद करने के बाद इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है बहुत ही कूल डाउन कर दिया। जैसे ही इसका सिस्टम का टेम्परेचर कूल डाउन करोगे आपको N2O3 बन जाता है। केवल ये चीज अगर दिमाग में रहे, N2O3 का स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, एवरीथिंग आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या है देखिए, जब NO2 को कूल करते हो आप, तो NO2 डाइमेराइज होकर N2O4 बना लेता है। बाद में हम इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप NO2 करते हो, अब देखो NO2 N2O4 में क्यों बनता है, देखो ना यार, NO2 N2O4 में क्यों बनेगा, NO2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, NO2 में ऑक्टेट, ये देखो ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सो ये अनस्टेबल है, इसलिए स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए N2O4 बनता है। डाइमेराइजेशन होता ही क्यों है, अनस्टेबल से स्टेबल बनने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। टेम्परेचर कैसे करोगे डाउन, टेम्परेचर सिस्टम में टेम्परेचर, अरे फ्रीज कर दो यार, सिंपल एज दैट, फ्रीज कर दो। सर जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ ये डाइमेराइज हो जाता है। सो ये स्ट्रक्चर ये वाला ही लिखाओ या ये वाला लिखाओ, घबराना मत, क्योंकि टेम्परेचर कूल होने से ही ये सिंपल बन जाता है। ठीक है एवरीबॉडी, यस, एसी चला के कम कर दो, वेरी गुड। टेम्परेचर कम कैसे करें, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए विकास कुमार, चलिए देखें NO2 देखते हैं, एहसान, सचिन, ये अभी तक जो पढ़ाया समझ में आ गया, पीसीएम इजी, उसके बाद जस्ट स्टार्ट करेंगे। हेलो अलेन, हेलो अल्किन, डोंट वरी। NO2 के बारे में पढ़िए, दिस इज द फोर्थ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस चार है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एसिडिक, आपको कैसे पता चला सर कि एसिडिक है कि बेसिक है, मैंने नाइट्रोजन का सबसे पहला N2O पढ़ाया, फिर NO पढ़ाया, फिर NO N2O3 पढ़ाया, फिर NO2 पढ़ाया, फिर N2O4 पढ़ाऊंगा, फिर N2O5 पढ़ाऊंगा, इतने सारे ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, यहां प्लस वन में है नाइट्रोजन, प्लस टू में है नाइट्रोजन, प्लस थ्री में है नाइट्रोजन, प्लस फोर, प्लस फोर एंड प्लस फाइव में। ठीक है, अब मैंने बोला था कि नीचे ऊपर से दो और नीचे से दो,
ये दोनों क्या है? कलरलेस कंपाउंड है। ये आपको दिमाग में है कि नहीं है? ये दिमाग में है। और फिर बीच वाले, ये ब्लू कलर का है और ये ब्राउन कलर का है। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद बोला था ऊपर से दो कलरलेस एंड न्यूट्रल ऑक्साइड है, कलरलेस भी है और न्यूट्रल भी है, और बाद बाकी जितने भी है नीचे के वो सारे सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। बस इतने सारे इंफॉर्मेशन से ही आपका मैक्सिमम पार्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड मनोज सिंह, अनुराग वर्मा, एवरीबॉडी, ये क्लियर है एवरीबॉडी? अब देखो NO2 कहां है? NO2 सर यहां है। सो इन दोनों को छोड़ के बाद बाकी सारे एसिडिक थे, तो ये भी एसिडिक होगा। वेरी गुड। कलर क्या होगा इसका? क्या ब्राउन कलर का होगा कि नहीं? एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ब्राउन कलर का तो हो गया सर, स्ट्रक्चर कैसे बनाए NO2 का? NO2 का स्ट्रक्चर अभी पीछे देखे थे क्या? देखो तो NO2 का स्ट्रक्चर कितना सिंपल है। एक नाइट्रोजन होगा, दो ऑक्सीजन होगा। सबसे पहले सराउंडिंग एटम के पास भाग जाओ। सर इस सराउंडिंग एटम के पास भाग गए, इसको दो बॉन्ड चाहिए बनाने के लिए। वेरी गुड। सर इसको भी दो बॉन्ड चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन मात्र एक और बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ऑन एन टोटल नाइट्रोजन केवल तीन बॉन्ड बनाता है। दो बॉन्ड बना चुका है, अब इसके पास केवल एक बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी बची है, तो इसको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। क्या यही है? सो दो इलेक्ट्रॉन तो दो बॉन्ड में आ गए, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, चार, और टोटल नाइट्रोजन के पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या इस पे एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, दैट्स इट, दिस इज द स्ट्रक्चर। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, कलर है ब्राउन कलर है। क्यों कलर आया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहीं और चला जाएगा, फिर वापस आएगा तो कलर चला जाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, क्योंकि NO2 का ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट करो ना, NO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है कोई बता रहा है क्या मुझे? जो लोग देख रहे हैं क्या वो मुझे बता रहे हैं कि NO2 के कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दो ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या मैं ऑड इलेक्ट्रॉन बोलूं कि इवन बोल दूं? 23 इवन नहीं होता है। बहुत अच्छा हर्षित, अरुण, सचिन, हर्षित अगेन एंड एवरीबॉडी, क्या पैरामैग्नेटिक है क्या? अरे क्या आपको ट्रिक याद है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक एंड इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 एंड 16। ये याद है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एब्सोल्युटली करेक्ट। MOT में बहुत शानदार से इसको पढ़ाया गया है। अब NO2 बन तो गया, स्ट्रक्चर भी समझ आ गया, प्रॉपर्टी भी समझ आ गई, सर ये बना कैसे, ये एग्जामिनर पूछे तो? सिंपल एज दैट। ओ शिट, इसमें क्या है, वो चेंज हो गया, कोई बात नहीं। आप नाइट्रेट को, जैसे लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, बैरियम और कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो सबसे पहले ऑक्साइड, फिर NO2 गैस और O2 मिलता है। लेड, कॉपर, बैरियम, कैल्शियम के नाइट्रेट्स को जब हीट करोगे यू विल गेट ऑक्साइड, NO2 एंड सिंपल ऑक्सीजन। सो NO2 हमें बनाना था, ऐसे बना लिया। ऑन एन एग्जांपल आप लेड का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। अब प्रिपरेशन हो गया। अब होता क्या है, मैंने बताया ना अभी कि NO2 को टेम्परेचर कम कर दोगे तो N2O4 बन जाता है। ऐसा क्यों पड़ा? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और ऑड, अरे यार आज तो सारी ये क्या आज दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने आज मेहनत नहीं करी तो इसका फॉन्ट चेंज हो जा रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार से हम इसको ठीक कर लेंगे। अभी क्या हो रहा है देखो, NO2 में दिक्कत क्या रही है, देखो सबसे पहले NO2 में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऐसे है और इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। सो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है। फिर दूसरा एक और आया, इसके पास भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है, तो ये देखेगा इसके पास भी एक अनपेयर्ड है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड है, दो सिंगल सिंगल लोग मिलके कपल बन गए। सिंग्स एज सिंपल एज दैट, दो सिंगल सिंगल लोग मिलके कपल हो गए। ठीक है, संस्कृत, वेरी गुड। आइए, तो क्या ये बात समझ में आई? यस, ये संस्कृत की तरह कुछ लग रहा है। तो देखिए मैं हिंदी में लिख के आया था लेकिन वो फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, तो डायरेक्टर साहब को अगले समय अब से मैं बोलूंगा। ठीक है, तो ये रहा, जैसे ही ये दो सिंगल सिंगल लोग, दो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलेंगे, ये एक बॉन्ड बनाएंगे और N2O4 बन जाएगा। पहले पैरामैग्नेटिक था क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा था,
अब तो ये कपल हो चुके हैं, अब डायमैग्नेटिक हो चुके हैं। पहले पैरामैग्नेटिक होने की वजह से ब्राउन कलर का गैस देता था, डायमैग्नेटिक होने की वजह से अब ये कलरलेस हो गया। बात समझ में आई? वेरी गुड। डाइमर मतलब सिंगल सिंगल लोग मिलके दो लोग कपल बना लिए हैं, डाइमर इज कपल। ठीक है एवरीबॉडी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस, दिस हिंदी अभी समझ नहीं आ रहा, मैं इसको जो पीपीटी डलवाऊंगा ना डिस्क्रिप्शन में उसमें हिंदी में कर दूंगा, डोंट वरी। आइए अब N2O4 के बारे में, कितनी हिंदी मैंने आज यूज कर लिया, चलिए आइए। N2O4 हो गया, N2O5 पे आते हैं। N2O5 नाइट्रोजन का प्लस 5 वाला ऑक्साइड है, आइए देखते हैं। अरे यार शिट 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 शिट, चलो ये देखो नाइट्रोजन का प्लस 5 वाला ऑक्साइड है। सो आई विल टेल माय टीम कि कोई दिक्कत आ रही है पीछे, उसको देख लें कि दिक्कत क्या हो रही है। ठीक है चलिए, अब है क्या? ओके कोई बात नहीं। आई विल टेल माय टीम कि एक बार आके चेक कर लें। अब होता क्या है N2O5 में, N2O5 देखना कितना अमेजिंग स्ट्रक्चर आपको दिमाग में डाल देता हूं। आज देखो N2O5 है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा N2O4, और N2O5 और N2O4 में क्या केवल एक ही ऑक्सीजन का डिफरेंस है? सब लोग मानते हो इस बात को, सरोज, प्रज्वल, अमन, हर्षित, बहुत सही। अब क्या इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 है? हाँ। क्या ये एसिडिक है? हाँ। अब ये कलरलेस है कि कलर्ड है? अरे सर ये तो कलरलेस है, लास्ट के दोनों कलरलेस हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें ऊपर बतानी थी। अब मैं यहां आ जाता हूं N2O5, N2O5 के लिए, N2O4 में ये चीज। अब N2O4 का स्ट्रक्चर बताओ मुझे, कैसे बताया मैंने? सर दो NO2 ऐसे थे सिंगल, और सामने वाला भी सिंगल, ये हमने NO2 बनाया था, दोनों सिंगल सिंगल मिलके बॉन्ड बना लिया, तो N2O4 बन गया था। सर N2O4 में एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो N2O5 बन जाता है। मैं यही कहूंगा ये जो कपल बना है ना उसके बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो N2O5 बनकर तैयार हो जाता है। दीप्ति, रिदा, सचिन, मोहम्मद तारिक, मनीष कुमार, क्या आपको बात समझ में आई? N2O4 का जो अपने स्ट्रक्चर देखा उसी के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो ये देखो दोनों कपल बने थे, और कपल बनने के बाद शादी हुई, शादी बनने के बाद ऑफ स्प्रिंग्स हुए। और आप लोग बायोलॉजी के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, अगर आप जेई वाले भी हो तो समझते हो कि ठीक है, समझ में आ गया। वेरी गुड। तो जो चीजें आपने पढ़ी है ना उसी चीज को आप इस्तेमाल करो और आंसर आ जाएगा एवरीबॉडी। ठीक है, बहुत अच्छा। आइए अब प्रिपरेशन कैसे हुआ N2O5 का, सी दिस, N में प्लस चार्ज होना चाहिए, कहां पे? हर, अरे प्लस और माइनस तो तब आएगा जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट में कन्वर्ट करेंगे। आप कोवलेंट में कन्वर्ट करो, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। लेकिन जैसे ही प्लस चार्ज आएगा रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा, ये रेजोनेंस होने लगेगा। ठीक है, वो कोई खास बात नहीं है। आइए प्रिपरेशन ऑफ N2O4 मैं आपको बताता हूं, N2O5, ठीक है। दिस इज, अब मैं आपको बताऊं एक चीज दिमाग में रखना, कभी भी कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन आए या फिर P2O5 का रिएक्शन आए, ये दोनों बहुत बड़े डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा कंपाउंड जो सामने वाले को डिहाइड्रेट कर दे, मतलब इसमें से पानी निकाल दे। जैसे होता है ना कि लूज मोशन हो गया तो बोलते हैं ना यार डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको, दैट मींस बॉडी से सारी वाटर निकल रही है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब सामने वाले से सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल के खत्म हो रहे हैं। अब इसमें देखो वाटर मॉलिक्यूल कैसे होता है बताना मुझे, वाटर मॉलिक्यूल क्या HNO3 में से वाटर मॉलिक्यूल पॉसिबल है? अरे यार एक वाटर मॉलिक्यूल में एटलीस्ट दो हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां तो एक ही हाइड्रोजन है तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो पहले इसको हम इतना बनाते हैं, 2 times मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये H2N2O6 बन गया। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, निकालो, माइनस कर दो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल, क्या मिलेगा? H2 तो खत्म हो गया, N2 बच गया पूरा, 6 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन वाटर में चला गया, N2O5, काम खत्म। ठीक है बोला भाई, कोई बात नहीं, अभी जस्ट इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ये बात समझ में आई कि P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका मतलब सामने वाले मॉलिक्यूल में से पानी निकाल दो, पानी निकल नहीं सकता इसलिए पहले इसको डबल किया, डबल करने पे दो हाइड्रोजन अवेलेबल है, अब पानी निकाल सकते हो। जैसे ही पानी निकाला N2O5 बन गया, दैट्स इट, N2O5 बना। और
आपका काम हो गया प्रिपरेशन का इंटू फाइव का, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब आइए, यही वाला लिखा हुआ है, HNO3 से तो निकल नहीं सकता, तो डबल करो फिर निकालो तो N2O5 बन जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद अब फास्फोरस, अब नाइट्रोजन फैमिली में से नाइट्रोजन का सारा कुछ खत्म हो गया, अब हम जंप करेंगे फास्फोरस पे और पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्या, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। सो एवरीबॉडी आर यू रेडी और नॉट, फर्स्ट टेल मी, ठीक है, यस, थर्मोडायनेमिक्स कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। सो नाउ आई विल स्टार्ट फास्फोरस और फास्फोरस के सारे कंपाउंड्स, फास्फोरस के ऑक्साइड्स, मेटा, हाइपो, जो भी है, आईएएम के स्टूडेंट्स की कहानी भी सुनाऊंगा, एक बहुत अमेजिंग कहानी, ठीक है, चलो बिल्कुल सही। अब मैं फास्फोरस पढ़ाने जा, अरे यार, सो आई होप कि कोई फॉन्ट का दिक्कत हुआ है, ठीक है, सो आई विल कॉल माई टीम वंस, ले गिव मी 2-3 सेकेंड्स, तब तक आपको कोई जनरल डाउट पूछनी है तो जरूर पूछ लीजिए, आई विल कॉल माई टीम एंड आई विल डू इट, ठीक है। मोशन ऑफ वर्ल्ड, ओके ओके ओके, अनुराग वर्मा, ओके यस, ठीक है, तो ये कुछ दिक्कत आ रही है, इसको मैं तुरंत सॉल्व कराता हूं, डोंट वरी, तो कुछ दिक्कत आ रही है बोर्ड में, प्लीज आके चेक कर लीजिए इसको, फाइन, चलो अब है क्या, भवानी यादव, वेरी गुड, अनिरुद्ध, अच्छा एक बात बताओ यार, आप लोग अपने दोस्तों को बता क्यों नहीं रहे, फर्स्ट टेल मी आप अपने दोस्तों, सारी स्लाइड में ऐसी आ रही है, ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी डन है मनीष, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपडेटेड है, तो केमिकल बॉन्डिंग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, आई थिंक न्याला की प्रॉब्लम आ रही है, ओके फाइन, चलिए तो 2 मिनट हमें दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब से चालू होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिवाली के जस्ट बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो चालू करना, ठीक है। जय शर्मा, अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, जय शर्मा, इट्स डिपेंड्स ऑन योर की कैपेबिलिटी, एटलीस्ट 200 लोग आए तो ऑर्गेनिक में मजा आए, इस टाइप की स्ट्रेटजी हमारी है, तो देखो आप। अमन शर्मा, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज दैट अ कंपाउंड इज फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सी कोवेलेंट बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी नहीं आई तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी स्टेबिलिटी ना हो तो बैक बॉन्ड बनता है, ये है ट्रिक, उसका कहने का समझ, डीएनएफ ब्लॉक जरूर कराएंगे, आनंद शर्मा, अनिरुद्ध शर्मा, डीएनएफ ब्लॉक जरूर कराएंगे, मिस्टर भट्टाचार्य, एनसीईआरटी इज नेसेसरी, बिल्कुल नेसेसरी है, लेकिन एनसीईआरटी की जितनी भी लाइंस हैं वो यहां पे हमने कवर कर रखी है, सो यू नीड नॉट वरी कि एनसीईआरटी अब दोबारा पढ़ने, नो 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 नो, फॉर वीटी सर केमिस्ट्री सेशन देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट, ठीक है, वेरी गुड। करण हीरो, जीओसी में प्रॉब्लम, जीओसी में इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि हमने केवल वन पार्ट ऑफ जीओसी कंप्लीट किया है, जीओसी पार्ट टू कवर नहीं किया है, सो जीओसी पार्ट वन, जीओसी पार्ट टू जब पूरा पढ़ लेते हैं, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बहुत अच्छा होता है। क्विज जरूर होगा शिव कुमार वर्मा, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में से एक दिन हो जाए। नदीम, आई एम अ न्यू स्टूडेंट, नदीम ये जो केमिस्ट्री का सेशन होता है, यस नाउ इट इज डन, ठीक है फाइन, सो चलिए हमारा सिस्टम सही हो गया है। अंकित पुरोहित, अमन शर्मा, वैभव श्रीवास्तव, फिजिकल भी स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करेंगे, और हम आज स्टार्ट अभी कर रहे हैं भाई साहब फास्फोरस। सबसे पहले मैं बता दूं, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एग्जाम का फेवरेट टॉपिक आप मान सकते हो इसको, और कई बार घुस घुस के एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछा है, और अब जब एग्जामिनर पूछ रहा है तो वीटी सर तो पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर में बच्चों के मार्क्स उसी से आएंगे। आइए अब व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, वैसे तो बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, 7 एलोट्रॉप्स आर प्रेजेंट फाउंड इन नेचर ऑफ फास्फोरस, बट हमारे सिलेबस में केवल 3 एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। उसके बाद अब हम ये सारे पढ़ेंगे कि व्हाइट मोस्ट रिएक्टिव क्यों होता है, ब्लैक लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है, ये आज आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। सो क्या मैं व्हाइट फास्फोरस से स्टार्ट करूं आप लोगों के लिए, यस यस यस, जेई के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, देखो व्हाइट फास्फोरस का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाऊं, उसके बाद मजा आ जाएगा व्हाइट फास्फोरस में। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, देखिए वेयर इट इज व्हाइट फास्फोरस, यस P4 इज व्हाइट फास्फोरस, P4 ये भी रेड फास्फोरस भी P4 ही होता है और ब्लैक फास्फोरस भी P4 होता है। अब इन तीनों P4 होते हैं तो डिफरेंस क्या है, आओ देखें, आओ देखें, एक्चुअली फास्फोरस P4 होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो 4P डायमंड शेप में रख दो, 4P को सबसे पहले डायमंड शेप में अरेंज कर दीजिए, यस, उसके बाद चारों फास्फोरस को डायमंड शेप में जोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स आर डन। अब नाइट्रोजन फैमिली का है तो कम से कम 3 बॉन्ड तो बनाएगा ना यार, 3 बॉन्ड तो बनाएगा,
हर फास्फोरस ने अभी तक दो ही बॉन्ड बनाया है, अब तीसरा बॉन्ड ये यहां से ये सामने बन गया। तो अब देखो ऊपर वाला फास्फोरस और नीचे वाला फास्फोरस, ये दोनों फास्फोरस तीन तीन बॉन्ड बना लिए। सर इसका क्या? बस कुछ नहीं, ये भी तीन तीन बॉन्ड बनाएगा। ये मैं बॉन्ड ऊपर से दिखा दे रहा हूं, ऐसा बना हुआ। तो ये रहा आपका पी फोर व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर। पी फोर रेड का अभी बनाऊंगा, पी फोर ब्लैक का भी बनाऊंगा, बट पी फोर व्हाइट डायमंड स्ट्रक्चर, ईच फास्फोरस हैविंग थ्री बॉन्ड्स। क्लियर? वेरी गुड। अब क्या है देखो, अब ये रहा अपना व्हाइट फास्फोरस। देखना सारे फास्फोरस तीन बॉन्ड बनाएंगे, पहली बात क्लियर। कैसे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारे फास्फोरस तीन बॉन्ड बना रहे। अब नाइट्रोजन फैमिली का है तो मैंने हर जगह बोला यार, पूरे केमिस्ट्री में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज फोर। अब अगर कोई कंपाउंड तीन, कोई भी एलिमेंट अगर तीन बॉन्ड बना रहा है तो क्या ऐड करें कि चार हो जाए, क्योंकि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज फोर। सो बॉन्ड पेयर इज थ्री, सो देयर इज ऑलवेज वन लोन पेयर। सो हर फास्फोरस के पास एक एक लोन पेयर है। क्यों? क्योंकि हर फास्फोरस ने तीन तीन बॉन्ड पेयर बना रखे। वेरी गुड। सो नंबर ऑफ लोन पेयर आपको निकल गए इससे। सो एक बार एग्जाम में जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है कि नंबर ऑफ लोन पेयर इन व्हाइट फास्फोरस, सो इट इज फोर। लोन पेयर आर फोर, वन टू थ्री फोर, हर फास्फोरस के पास एक एक। बिल्कुल सही। अब ईच फास्फोरस हैज वन लोन पेयर। अब देखना हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताओगे? हाइब्रिडाइजेशन क्या आपको sp3 दिख रहा है? यस, क्योंकि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज फोर। अब चार का मतलब चार ओवरलैपिंग, तो एक s और तीन p, एक s और तीन p मतलब sp3। तो क्या sp3 दिख रहा है? यस। शेप कैसा है? टेट्राहेड्रल है। sp3 का तो शेप ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगा। वेरी गुड। आइए अब देखिए, आप व्हाइट फॉस्फोरस एक्चुअल 3D में कुछ ऐसा दिखता है या ऐसा, दोनों में से कोई भी इमेजिन हो जाए। तो आप देख लो, ये वाला ज्यादा इजी है इमेजिन करने के लिए। अब इसको हम टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है ना यार। एक्चुअली टेट्राहेड्रल उसको बोलते हैं कोई भी कंपाउंड, कोई भी शेप जिसमें चार फेस हो। कहने का मतलब स्क्वायर में चार बाउंड्री होती है तो उसको स्क्वायर बोल देते हैं, रेक्टेंगल में चार बाउंड्री होती है रेक्टेंगल, उसी तरह फोर फेसेस वाले चीजों को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं केमिस्ट्री में। आइए अब देखो इसमें क्या आपको ये दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट फेस। यस सर। क्या आपको दिख रहा है, दिस इज द सेकंड फेस। यस सर। क्या आपको इसी तरह पीछे एक बैकग्राउंड में दिख रहा होगा थर्ड फेस, और चौथा नीचे से दिख रहा है? पहला फेस दिस वे, दूसरा फेस दिस वे, तीसरा फेस नीचे की तरफ, और चौथा ऐसे बेस। वेरी गुड। नॉन प्लेनर, एब्सोल्यूटली करेक्ट। sp3 नॉन प्लेनर। ये देखो ना, बोर्ड से बाहर निकला हुआ ये दिख रहा है, बॉल बाहर निकला हुआ। यस yes. और हर फास्फोरस के बीच में एंगल 60 डिग्री होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर फास्फोरस p4 में 60 डिग्री एंगल बनाता है, कई कई बार पूछा गया है। वेरी गुड। नॉन प्लेनर मोहम्मद दानिश, एब्सोल्यूटली करेक्ट। अब क्या है देखो, व्हाइट फास्फोरस में एंगल 60 डिग्री होता है, एब्सोल्यूटली करेक्ट है। उसके बाद अब मैं बताऊं, चूंकि अब आपको पता है एंगल अगर ऑर्डर, अब देखो मान लो ये है, अगर इस तरह का साइकिल बनेगा तो क्या उसका एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा नहीं होता है? यस। क्यों? क्योंकि इसका एंगल बहुत कम है, दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल बहुत कम है, सो एंगल स्ट्रेन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। 60 डिग्री बहुत कम एंगल है, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये टूट जाता है, क्योंकि देखो ना एक फास्फोरस ने चार चार बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल होगा और ये टूट जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री बहुत कम एंगल है। ठीक है, hence white phosphorus is most reactive। क्यों most reactive बोला? एंगल स्ट्रेन की वजह से जब बॉन्ड टूटेगा, रिपल्सन होगा, बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने का मतलब रिएक्शन में पार्ट इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर जाएंगे, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मोस्ट रिएक्टिव। ये बात समझ में आ गई तो बोलिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच पार्थ यादव। अब ये देखो, फोर 60 डिग्री बहुत कम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हुआ, रिपल्सन बहुत होगा। ये देखो ना, चारों तरफ से ये बंधे हुए हैं। क्या मैं आपको फील कराऊं? क्या फील कराऊं? आओ देखो, फील करो केमिस्ट्री को। ये देखो, ये फॉस्फोरस तीन तरफ से खींचा हुआ है, तीन तरफ से, और सारे फॉस्फोरस इसी तरह खींच रहे हैं एक दूसरे को।
सो बॉन्ड के अंदर रिपल्सन बहुत हुई, पास पास आ गए, रिपल्सन बहुत हुई, देयरफॉर टूट गया। टूटने और बॉन्ड टूटने का मतलब क्या होता है? एक बॉन्ड, मान लीजिए इस बॉन्ड की बात करें, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और फ्री वाले इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? फ्री वाले इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन हुए, रिएक्ट कर जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट रिएक्टिव। रटना पड़ा क्या? नहीं ना, वेरी गुड, मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट स्टेबल, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां तक कोई भी किसी को दिक्कत हो रही हो? वेरी गुड, एंगल स्ट्रेन इंक्रीज कर जाएगा, विकास कुमार इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब रेड फॉस्फोरस क्या होता है? यह भी P4 होता है, लेकिन चूंकि व्हाइट फॉस्फोरस अनस्टेबल था, सो उसको स्टेबल करने के लिए हर देखो वहां क्या था, यह फॉस्फोरस था, देखो आप ऐसा कुछ फॉस्फोरस था, ऐसा और ऐसा, और चारों कोने पे पी 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 लगा हुआ था, और चारों के पास एक एक लोन पेयर थे। क्लियर है? ठीक है, आओ आओ। अब एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए, अब मान लो मेरा, अब ये चार तीन तरफ से एक दूसरे को खींच रहे थे, इन्होंने क्या किया, एक तरकीब निकाली कि कुछ करते हैं, ये बॉन्ड तोड़ देते हैं बीच वाला, जैसे ये वाला बॉन्ड अभी भी है, 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 लेकिन इस फॉस्फोरस का बॉन्ड तोड़ देते हैं। और जब बॉन्ड टूटा तो इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो एक इसके पास, एक इसके पास। सिमिलरली कोई दूसरा फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल यहां पे आया, पी 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 पी, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड इसमें भी टूटा हुआ है सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल मिलके कपल बन गए, एंड ये जुड़ता चला गया ऐसे ऐसे, ये लंबा स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक प्लेनर का मतलब प्लेन में हो गए। सो नाउ व्हाइट, रेड फॉस्फोरस व्हाइट के कंपेरिजन में थोड़ा बहुत तो ज्यादा स्टेबल है ही है। ठीक है, वेरी गुड, व्हाइट फॉस्फोरस थोड़ा बहुत तो ज्यादा स्टेबल है ही है कि नहीं है? वेरी गुड, फ्री रेडिकल, यस यस यस, बहुत अच्छा, समझ में आया ये बात। सो व्हाइट फॉस्फोरस क्या है, ये देखो जुड़ते चला गया, दिस इज हाउ यू गो, वेरी गुड। अब देखो रेड फॉस्फोरस समझ में आ गया। अब रेड फॉस्फोरस के बाद पॉलीमर ऑफ सेवरल पी फोर मोलिक्यूल्स, ये भी पी फोर है लेकिन ये पॉलीमर बोलते हैं इसको, क्यों? एक से ज्यादा आ गए, बहुत अच्छा। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है, कैसे सर? अभी भी सारे के सारे फास्फोरस तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ है, तीन बॉन्ड है इसलिए एक लोन पेयर आएगा, क्योंकि बॉन्ड प्लस लोन हमेशा चार होना है, वेरी गुड। अब जब हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, चार का मतलब sp3, वेरी गुड। ईच फास्फोरस हैज वन लोन पेयर, अभी भी है। एंगल स्ट्रेन इज लेस, पहले तीन तरफ से बंधा हुआ था, अब कम से कम दो फास्फोरस तो ऐसे हैं जो थोड़ा फ्री महसूस कर रहे हैं, कुछ तो एंगल स्ट्रेन कम हुआ है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि एंगल स्ट्रेन से फ्री हो गया, लेकिन व्हाइट के कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, एंगल स्ट्रेन कम है, वेरी गुड। लव चौधरी, मजा ही आ जाएगा यहां पे केमिस्ट्री पढ़ने का, ज्वाइन इट। अब मैं आपको ब्लैक फास्फोरस बता रहा हूं, व्हाइट था, व्हाइट को लेफ्ट साइड और राइट साइड में बॉन्ड तोड़ के जोड़ दिया, रेड बन गया। अब इधर इधर तो है ही है, साथ में ऊपर नीचे भी कर देंगे, देखो ये वाला तो चलेगा ही चलेगा, ऊपर नीचे भी लेयर्स में कर देंगे इसको, देखो ये कैसे होता है। वहां पे क्या था, ऐसा था कुछ स्ट्रक्चर, फील करो देखो केमिस्ट्री को, ऐसा था P4। अब इससे हमने क्या किया कि दो फास्फोरस को फ्री कर दिया, इसको इधर और इधर जोड़ दिया तो रेड बन गया। ब्लैक कैसे बना, हो देखो ब्लैक कैसे बना, हर फास्फोरस, ये देखो हर फास्फोरस अभी भी तीन बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर। तो क्या मैं बोल दूं कि व्हाइट रेड ब्लैक कोई भी हो, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना है। व्हाइट सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होने की वजह से, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होने की वजह से बिखर जाता है, टूट जाता है, मोस्ट रिएक्टिव। उससे आगे बढ़ो रेड की तरफ तो रेड थोड़ा सा स्टेबल और हो जाता है, ब्लैक और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, देखो फास्फोरस के ये थे तीन, चौथा वाला यू यू करके जोड़ा गया, फिर अगेन मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना दिया गया, वहां टेट्राहेड्रल मतलब चार बन रहे थे तो ज्यादा एंगल स्ट्रेन, अब हेक्सागन आ गई तो एंगल स्ट्रेन कम हुआ। आपको पता ही है पांच और छह मेंबर्ड की रिंग स्टेबल होती है, तो छह मेंबर्ड की रिंग बना दी, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर फिर दूसरा लेयर फिर तीसरा लेयर, सिमिलर एज ग्रेफाइट, सिमिलर एज इनऑर्गेनिक बेंजीन जो हमने पढ़ रखा है। लेकिन अब इसमें ग्रेफाइट के जैसा एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता, अब कैसे होता है जरा फील करना। देखो ये क्या होता है, ये तीन फास्फोरस ऐसे हैं और ये जो दो फास्फोरस है ना वो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, इसीलिए उसको
वेज से दिखाया मैंने, ठीक है। ये रहा प्लेनर, ये जो दोनों फॉस्फोरस हैं, दीज टू फॉस्फोरस, ये इस प्लेन से उठे हुए हैं, ऐसे हैं, ठीक है। ये तीन फॉस्फोरस और ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए, फिर यहां पे बॉन्ड बना है, फिर बाहर की तरफ निकले, फिर यहां बॉन्ड बना है, फिर बाहर की तरफ निकले। आपको ये दिख रहा है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बने जा रहा है, स्टेयर की तरफ, पहले तीन फिर आगे, फिर तीन फिर आगे, फिर तीन फिर आगे, तो ये कुछ स्टेयर की तरह स्ट्रक्चर बने जा रहा है, सीढ़ियों की तरह। वेरी गुड। सो हर लेयर ऐसे ही होगा, ग्रेफाइट की तरह है स्ट्रक्चर है, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। ग्रेफाइट में क्या है, सारे एटम्स प्लेनर हैं, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। ये तीन ऐसे हैं, फिर अगला तीन थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है, फिर अगला तीन थोड़ा सा आगे, फिर तीन, फिर अगला तीन आगे, एंड सो ऑन। आप देखो आप आगे, ये रहे इसके बारे में जानकारी। सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट, लेकिन डिफरेंस क्या है, ग्रेफाइट में सारे प्लेनर थे, ये बल्जिंग स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ निकला हुआ फील हो रहा है। वेरी गुड। एंगल स्ट्रेन इज लीस्ट, क्योंकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आ गया। वेरी गुड। नॉन प्लेनर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो, देयरफॉर पीपी बॉन्ड्स जो है ना वो स्ट्रांग है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन अब बहुत कम है, तो अब मारामारी कम हो रही है, तो अब आराम से बैठे हैं, स्टेबल बैठे हैं। देयरफॉर लीस्ट रिएक्टिव, क्यों, अब आराम से बैठे हैं, बॉन्ड टूटने का डर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हुए, रिएक्ट नहीं करेगा, देयरफॉर इट इज लीस्ट रिएक्टिव। एवरीबॉडी क्लियर है तो बोलिए। बल्ज का मतलब निकला हुआ है, प्लेन में नहीं है, आगे निकला हुआ है, ठीक है। मैंने बताया ना, तीन फिर आगे की तरफ, फिर तीन फिर आगे की तरफ, एंड सो ऑन। वेरी गुड। यस, आज का लाइक का टारगेट कितना है बच्चों, कोई बताएगा क्या मुझे? लाइक का टारगेट 225 मैंने दिया हुआ है, 225 इज अ लाइक का टारगेट, ठीक है। चलिए अब व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम में आ जाता है। अमेजिंग है, पढ़ना बहुत मजा आ जाएगा। यस, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बता रहा हूं अभी। देखो, एंगल स्ट्रेन व्हाइट फॉस्फोरस में सबसे हाई है, क्यों, हर फॉस्फोरस चारों तरफ से, तीनों तरफ से बंधा हुआ है, ठीक है। हाईली अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है। अनस्टेबल क्यों है, एंगल स्ट्रेन की वजह से, अनस्टेबल होने की वजह से बॉन्ड टूटे, टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो रिएक्ट कर लिया। क्या ये बात समझ में आई, तो बोलो हां अगर समझ आई तो। वेरी गुड। इट रेडली कैचेज फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। अब देखना है, इस एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है आपको समझना है। अब देखना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके एक्सप्लोड कर जाता है, P4O5 P2O5 बना के फट जाता है, फायर कैच कर लेता है एक्चुअली, अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, देयरफॉर इट रेडली कैचेस, जल्दी से कैच फायर कर लेगा जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया। वेरी गुड। अब P4 जो है, जो आपको फॉस्फोरस है, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स P4O10 और P2O5, इसी का डाइमर तो लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। इट ग्लोज इन डार्क, इसका क्या मतलब है यार, एनसीईआरटी ने एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट डू यू, मतलब आई थिंक पीएमटी वगैरह में किसी का क्वेश्चन आ गया कि ग्लोज इन डार्क का मतलब क्या है। अब ग्लोज इन डार्क का मतलब समझ रहे हो, यही वाला लिखा हुआ है, हाईली रिएक्टिव है, तो जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया, एक्सपोज टू एयर, ये फायर कैच कर लिया, और फायर कैच करेगा तो जलेगा ना यार, आग, अब जब अंधेरा, मान लो बहुत अंधेरा है और वहां पे आप माचिस की तिल्ली जलाओगे तो ग्लो करेगा ना, चमकेगा ना, इट ग्लोज इन डार्क, यही मतलब है उसका, ठीक है। वेरी गुड, एब्सोल्यूटली करेक्ट। वी विल गेट व्हाइट फ्यूम्स, जैसे ही फॉस्फोरस, अब जैसे ही माचिस की तिल्ली लगाओगे, माचिस में भी फॉस्फोरस होता है, ठीक है, तो वहां पे ऑरेंज कलर या रेडिश कलर का वो आग निकलता है, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस के साथ और सारी चीजें भी वहां मिलाई होती है। लेकिन एक्चुअल फास्फोरस, प्योर फास्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म्स व्हाइट फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स दिखाया था मैंने पिछले लेक्चर में, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ दिस P2O10 और P2O5, ठीक है। अब आइए, इट इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर बट इट इज सॉल्यूबल इन CS2। CS2 एक ऑर्गेनिक का सॉल्वेंट है जिसमें ये सॉल्यूबल होता है, लेकिन वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। एक्चुअली मैं बात बताऊं, वाटर का चाहे व्हाइट वाला फास्फोरस ले लो, या फिर रेड वाला फास्फोरस ले लो, या फिर कोई भी फास्फोरस ले लो, या तो व्हाइट हो या रेड हो, या फिर क्या हो, यस,
ब्लैक हो, कोई भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो केवल व्हाइट की खास बात नहीं है, सब में बहुत अच्छा। और जब P4 की NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ये फॉर्म बनता है और फॉस्जीन गैस रिलीज होता है, और ये रिएक्शन जो है ये आपको अब लिख लीजिए और दीवार के सामने चिपका लीजिए, ये रिएक्शन कम से कम नहीं तो 10 times, अगेन आई एम सेइंग 10 times इन डिफरेंट एग्जाम्स इन रिसेंट 5 years आया हुआ है। पिछले 5 साल में चाहे आप केरला का पेपर उठा लें, MP का पेपर उठा लें, नीट का पेपर उठा लें, JEE का पेपर उठा लें, हर एग्जाम जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए होता है उसमें ये रिएक्शन आया हुआ है। और ये पहला रिएक्शन है पी ब्लॉक में जो बोल रहा हूं, लिख के चिपका दीजिए, देखते देखते रट जाएगा, दैट्स इट। P4 जब NaOH से रिएक्ट करता है तो NaH2PO2 बनाता है और PH3 फॉस्जीन गैस रिलीज करता है, ठीक है। आइए अब मैं आपको बात बताऊं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको करा दिया कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका मार्क्स ना कटे। सब लोग समझ आ रहा है एवरीबॉडी को? अब आइए आगे देखते हैं। रेड फॉस्फोरस मतलब पहले था हमारे पास व्हाइट से अच्छा क्या था, रेड, और सबसे अच्छा क्या था, ब्लैक, ठीक यही था ना। व्हाइट से अच्छा तो रेड है ना, तो एंगल स्ट्रेन कम है एज कंपेयर टू व्हाइट, बहुत सिंपल, ये आपको पता है। रेड फॉस्फोरस इज स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाइट, क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। दूसरी, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड। व्हाइट फॉस्फोरस क्या था, CS2 में सॉल्यूबल हो रहा है, लेकिन ये CS2 में सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। और ब्लैक वाला ना ही वाटर में है ना ही कहीं, मतलब ये सॉल्यूबल ही नहीं है। अब ये सॉल्यूबल क्यों है ये मैं बताऊं आपको, ये भी रटना नहीं है, देखना। व्हाइट फॉस्फोरस क्या ये अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, बॉन्ड टूटेगा खटाक से। अब जब बॉन्ड टूट रहा है तो ये सॉल्यूबल हो जाएगा, किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में, लेकिन ये स्टेबल हो गया, ये तो और ज्यादा स्टेबल है। अब ये स्टेबल है तो क्यों किसी से रिएक्ट करेगा, सॉल्युबिलिटी के लिए भी वाटर के H+ और OH- से रिएक्शन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये स्टेबल हो चुका, अब चूंकि इसमें एंगल स्ट्रेन कम हो चुकी है इसलिए ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं तो वाटर नहीं तो कार्बन डाइसल्फाइड। और ब्लैक तो इससे भी ज्यादा स्टेबल है तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, वेरी गुड। आइए अब मैं आपको बताऊं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस और आई थिंक JEE एडवांस में और एक या दो बार आई थिंक 2 या 3 बार आपको AIIMS में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन एंड मैग्नीशियम बिल्कुल करा देंगे आकाश, बिल्कुल करा देंगे। आइए, सो P2O5 और मतलब P4O6, ये दोनों आप जरूर देखें। और ये क्या है, ये सारे जो होते हैं ना ये व्हाइट फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं। कोई अगर आपसे पूछे तो फिर से आप बता देना, व्हाइट फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं। आप कहोगे सर व्हाइट का ही फॉस्फोरस का ऑक्साइड क्यों बना, क्यों नहीं ऐसा हुआ कि रेड फॉस्फोरस का ऑक्साइड बन गया, क्यों नहीं ऐसा हुआ कि ब्लैक फॉस्फोरस का ऑक्साइड बन गया। मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सर व्हाइट वाला स्टेबल नहीं है तो किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा इसीलिए ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, लेकिन चूंकि ब्लैक फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस स्टेबल हो चुके हैं तो वो रिएक्शन करने में विश्वास नहीं रखते, वो तो स्टेबल हो गए। रिएक्शन तो इसलिए होती है कि मैं अनस्टेबल हूं, किसी तरह कोई रिएक्शन करके स्टेबल हो जाऊं। ऑक्सीजन से रिएक्ट वही करेगा जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद स्टेबल हो जाए। देयरफॉर ये जो फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं, दिस ऑल आर, समझ गए होंगे आप बात को, वेरी गुड। अब मैं आपको सिखाता हूं P4O6 और फिर सिखाता हूं P4O10। कई बार इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अब आपको P4 का स्ट्रक्चर तो पता ही है ना, एक मिनट रुको, आपको P4 का स्ट्रक्चर तो पता ही है ना, देखो P4O6 का मैं आपको दिखा रहा हूं, देखना पी वही डायमंड शेप में आप रख दो, डायमंड शेप में रख दिया, यू बर्फी कहते हो ना, वो बर्फी वाले शेप में रख दो, 4 फॉस्फोरस रख दिए, हमें 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो पहले तो आप 4 ऑक्सीजन उठाओ और इन 4 फॉस्फोरस के बीच में उसको डाल दो। 4 फॉस्फोरस उठाया और 4 ऑक्सीजन उठाया और 4 फॉस्फोरस के बीच में डाल दिया, क्या अमेजिंग ये है, वे है, 4 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन आ चुके हैं हमारे पास। सर 2 ऑक्सीजन और भी दिख रहा है, तो 2 ऑक्सीजन मैंने, अब वहां कैसे बॉन्ड बना था, इस फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बना था, बन गया। सिमिलरली इस फॉस्फोरस और इस फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बना था, बन गया। सो दिस इज P4O6। अब मैं फिर से बात बताऊं कि सर ये फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3, तो कितने लोन पेयर आएंगे, सर बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज ऑलवेज 4, सो 3 बॉन्ड है तो 1 लोन पेयर आएगा,
इसकी बात करूं, तीन बॉन्ड है एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड है एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड है एक लोन पेयर। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो क्या ऑक्सीजन ने दो ही बॉन्ड बनाए हैं? यस सर, तो दो दो लोन पेयर सारे ऑक्सीजन पे आएंगे। क्या अमेजिंग पढ़ाते हो सर, मजा ही आ गया। क्या आपको भी यही फीलिंग आ रही है क्या? ठीक है कि नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड मेहुल, वेरी गुड। अब देखो, मोहम्मद सागिर दो बीच में आएंगे, शिव कुमार वर्मा एब्सोल्युटली करेक्ट। सो क्या अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, फॉस्फोरस के लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर, ये सारी बात बताने की जरूरत है? या कोई एक 5-6 क्लास का बच्चा भी अब काउंट करके बता देगा? ठीक है, वेरी गुड। परेश, आपको शाउट आउट चाहिए, बिग शाउट आउट फ्रॉम कैरियर पॉइंट कोटा। अब P4O6 की बात कर लिए, इसी P4O6 में अगर मैं चार और ऑक्सीजन जोड़ दूं तो क्या P4O10 बन जाएगा? यस। और मुझे जगह भी दिख रहा है कि वो चार ऑक्सीजन कहां आएंगे। ये दो लोन पेयर, दो बॉन्ड ऑक्सीजन, दो बॉन्ड ऑक्सीजन, दो बॉन्ड ऑक्सीजन और दो बॉन्ड ऑक्सीजन, तो P4O10 भी साथ साथ में ही बन गया। अब लोन पेयर फिर से एडजस्ट कर देते हैं। आइए, लोन पेयर ही तो एडजस्ट करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। देखो लोन पेयर कैसे एडजस्ट होगा, फॉस्फोरस ने अब पांच बॉन्ड, दैट मींस मैक्सिमम बॉन्ड बना चुका है। ठीक है, अपना फॉस्फोरस तो बना सकता है पांच बॉन्ड वैकेंट डी ऑर्बिटल एक्सपेंड करके, थर्ड पीरियड का है। अब ये ऑक्सीजन ने दो वो बनाए हैं बॉन्ड्स, दैट मींस दो लोन पेयर, दो बॉन्ड दो लोन पेयर, दो बॉन्ड दो लोन पेयर, दो बॉन्ड दो लोन पेयर, काम तमाम। करण हीरो समझ आया तो बोलिए हां, यस यस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जरूर बता देंगे आपको। और ये रहा बुकी से स्ट्रक्चर, आप जरूर देख सकते हैं। अब इसको देखने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये सारी चीज आप खुद से बना सकते हो। पहले फास्फोरस की बर्फी बनाओ, उस बर्फी के बीच में चार ऑक्सीजन डाल दो, फिर बीचों बीच दो ऑक्सीजन डाल दो P4O6, जो लोन पेयर है उनसे बॉन्ड्स बना दो। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। और मुझे हार्ट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? शिव कुमार वर्मा, थैंक यू सो मच। रोहित राज आया आया कि निकल गया एकदम दिमाग से, बिल्कुल आ गया है, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। भरत, थैंक यू सो मच। मनोज सिंह, थैंक यू सो मच। अब नाउ आइए आगे देखिए। अब ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस बता दिया, तो साथ में अब वो आया टाइम जब मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी जो है IIM के स्टूडेंट्स की, दैट मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक पॉपुलर सेलिब्रिटी भी है, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कौन है वो? IIM का स्टूडेंट है, बहुत अमेजिंग, बहुत पॉपुलर है। ठीक है, आइए, वेरी गुड। अनुभूति, थैंक यू सो मच। सुचेता, थैंक यू सो मच। अनुराग, करण हीरो, थैंक यू सो मच। दीपक, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सागर, वेरी गुड, वेरी गुड। P2O5 कैसे बनेगा? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। P2O5 कैसे बनेगा? P2O5 अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसीलिए टाइमर होके P4O10 बना लेता है। आया बात समझ में, तो बोलिए हाँ, P2O5 का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए अब मैं बताऊं आपको, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड है, वेरी गुड। फिर मैं बता रहा हूं H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है, लेकिन उसको अच्छे टर्म्स में बोलो तो ऑर्थोफॉस्फोरस। जैसे देखो ना, H3PO3 में फॉस्फोरस का कौन बताएगा? H3PO4। और फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बनाएगा? चार ऑक्सीजन -8, तीन हाइड्रोजन +3, तो दैट मींस +5 बनोगे तभी तो जीरो होगा। तीन ऑक्सीजन -6, ठीक है, लिखते नहीं है, मन में कर लेते हैं। तीन ऑक्सीजन -6, दो तीन यहां पे, दैट मींस -6 + 3 कितना बना? यहां पे +3 देना पड़ेगा। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बोलते हैं फॉस्फोरस। अब रटना नहीं है, लेकिन देख लो हाइपो और पाइरो। अभी मैं IIM वाली स्टूडेंट की कहानी बताऊंगा तो ये अपने आप ही आप निकाल लोगे, लेकिन अब देख लो H3PO3 और H2PO4O7 का। अब मैं आपको इसमें ये फॉर्मूला रटना नहीं है, अपने आप आ जाएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि इन तीनों का स्ट्रक्चर अगर आपको दिमाग में रहे तो कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर बता दूं, वही बर्फी टाइप कुछ बता दूं ऐसा कि हमेशा के लिए स्ट्रक्चर आपका हो जाए। कैसन बा, अरे एकदम मजा में बा, अपन बताओ कैसन बा। अब देखो यहां, आई होला, हम बताते हैं H3PO4 की कहानी। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर फॉस्फोरस का आ जाए, फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर आ जाए, आप कैसे बनाओ? सबसे पहले आप एक काम करो, फॉस्फोरस को रखो, सबसे पहले डबल बॉन्ड ओ दे दो, कुछ भी बिना सोचे समझे डबल बॉन्ड ओ दे दो। अब H3PO4 है, इसमें से अब बचा हमारे पास H3O3, ठीक है, यही बचा है, H3 और O3 बचा है इसमें से, क्योंकि P और O निकाल चुके हैं हम। कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, P डबल बॉन्ड ओ बना दो, दैट मींस तीन हाइड्रोजन और तीन ऑक्सीजन, तो तीन हाइड्रोजन और तीन ऑक्सीजन को सजाने का इससे बेस्ट तरीका और क्या हो सकता है? खत्म H3PO3 की कहानी, खत्म।
दैट्स इट सर। ये तो बहुत आसान था, अगर आपने H3PO3 बना दिया तो मैं मान जाऊं। आओ सबसे पहले आप पी डबल बॉन्ड ओ बनाओ। सर पी डबल बॉन्ड ओ बनाते ही हमारे पास बना बचा क्या, H3O2 यही बचा। तो H3O2 दैट मींस दो OH तो बना दो, तो दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आ गए। अब एक ही हाइड्रोजन और लगाना है तो हाइड्रोजन लगा दो, OH नहीं है तो हाइड्रोजन से काम चला लो। एक बार और बताऊंगा कि सर आपने ये भी आसान वाला बता दिया, ये भी आसान वाला बता दिया। अगर मैं मानू, अगर आप हाइपोफॉस्फोरस का कहानी बता दो, लो H3PO2 बनाना है ना आपको, H3PO2, तो आप सिंपल पी डबल बॉन्ड ओ बनाओ कहीं भी। बचा कहां से, H3O बचा है आपके पास, दैट मींस एक OH तो आप बना ही सकते हो यहां से, एक OH तो आप बना ही सकते हो, दो हाइड्रोजन जोड़ दो, खत्म कहानी, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच शागुन, थैंक यू सो मच आशुतोष, वेरी गुड। अब देखो यहां पे तीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़े हैं, यहां पे दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़े हैं और यहां पे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा है। तो जब इसको पानी में डालोगे तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा होता है वही रिलीज होता है, दैट मींस ये रिलीज होगा, ये रिलीज होगा, ये रिलीज होगा। तो पानी में डालने के बाद जितने हाइड्रोजन रिलीज होते हैं उसी को बेसिसिटी कहते हैं। तो तीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा है तो तीन बेसिसिटी, तीन हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। यहां पे दो इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा हुआ है इसलिए दो है तो तीन हाइड्रोजन, लेकिन रिलीज दो ही होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा होता है वही रिलीज हो जाता है और इसकी बेसिसिटी वन हो जाएगी क्योंकि एक ही एच रिलीज कर पाएगा। मरियम खान थैंक यू सो मच। अब इसको ये सब तो आपने देख लिया, अब मैं आपको बताऊं तो मैं आपको किताबी स्ट्रक्चर दिखा दूं। यहां पे ये रहा आपके एनसीईआरटी और बड़े बड़े ज्ञानी बाबा वाले बुक्स में टेक्निकल नो नेम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एज वेल एज बेट द बेल आइकन देयर, वेरी गुड, 3, 2, 1 रेस्पेक्टिवली। ये है इसका बेसिसिटी। अब वो IIM के स्टूडेंट के कहानी सुनाने की बारी आ गई है। IIM लिखने का तरीका देखना, IIM में एक टॉपर स्टूडेंट था, IIM में एक टॉपर स्टूडेंट था जो कि IIM में टॉपर स्टूडेंट था जो कभी भी अगर हाइपर होता था तो उसको परोक्साइड दे देते थे, हाइपर होता था उसको परोक्साइड दे देते थे। ठीक है संदीप रावत, आलोक राज, अनुभूति, आलोक राज देखो IIM में टॉपर स्टूडेंट है जो कभी भी हाइपर हो जाए, जैसे इंसान की टेंडेंसी होती है कई लोग जल्दी हाइपर हो जाते हैं, उनको गुस्सा यहां होता है नाक पे होता है तुरंत गुस्सा हो जाता है, होना बहुत गलत बात है क्योंकि आगे चल के बहुत दिक्कत आती है जब आप कॉर्पोरेट में 10 लोगों के साथ काम करते हो तो अगर हाइपर होते तो गलत बात है। लेकिन अब ये IIM का टॉपर है तो टॉपर है तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ तो कुछ भी हो, हाइपर हो ठंडा रहे तो किसी की भी मजबूरी बन जाता है। अब आइए क्या है IIM का टॉपर का मतलब क्या है सर, कभी भी आपको पाइरो एसिड बनाना है, पाइरो एसिड बनाना है तो आप एक काम करिए, पाइरो मतलब 2 मॉलिक्यूल उसका ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है पाइरो फॉस्फोरिक एसिड, पाइरो फॉस्फोरिक एसिड ये बनाना है मुझे मान लीजिए। ठीक है अब आपको बोले कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरो फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन क्वेश्चन पता है क्या आता है, हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर इन पाइरो फॉस्फोरिक एसिड। एग्जामिनर तो थोड़ा सा घुमाएगा ना, हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर। अब बच्चों के हाथ पांव फूलने चालू क्यों, क्योंकि उसको पाइरो फॉस्फोरिक का आंसर ही नहीं पता। अब पाइरो का मतलब देखना, आप तो ये समझो भाई साहब पहले कि एम का मतलब मेटा है, पी का मतलब पाइरो है और हाइपर का मतलब हाइपो है, तो तीन ही तरह के आपके एसिड आएंगे ऑक्सीज एसिड और आपको अब मैं बताने वाला हूं। ठीक है अब देखना, मेटा कैसे बनाएंगे, पाइरो कैसे बनाएंगे, हाइपो कैसे बनाएंगे। पाइरो का मतलब होता है, टी का मतलब 2 मॉलिक्यूल ले लो, जैसे मान लो पाइरो फॉस्फोरिक बनाना है तो 2 फॉस्फोरिक एसिड ले लो, टी का मतलब 2 फॉस्फोरिक एसिड ले लो, उसके बाद उसमें से 1 जो है, ओ का मतलब 1, टी का मतलब 2, ओ का मतलब 1, 1 वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दो, रिलीज कर दो, आपका पाइरो फॉस्फोरिक एसिड बनकर तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए पाइरो फॉस्फोरिक एसिड बनाना है, सो 2 मॉलिक्यूल पाइरो फॉस्फोरिक एसिड ले लिया, उसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो, दैट मींस फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो, दैट मींस क्या बनेगा, H6P2O8, देख लो एक बार, क्लियरली देख लो एक बार, वेरी गुड। अब जैसे ही H6P2O8 बना, आप तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालो, पाइरो फॉस्फोरिक एसिड निकल के आ जाएगा, पाइरो फॉस्फोरिक एसिड दैट मींस H2P2 और O7, दिस इज पाइरो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है
वेरी गुड। अब देखना आप, अब मैं आगे चली लेता हूं सीधा सीधा एक ही बात पे। देखो पाइरोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है तो दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो। दैट मींस आईएएम का स्टूडेंट जो है वो टॉपर है। तो आईएएम बताता हूं, टॉप से आपको पाइरो एसिड निकालना है, पी इज फॉर पाइरो, ठीक है। सो टू मॉलिक्यूल जिसका फॉस्फोरिक एसिड जिसका भी बनाना है, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एनी एसिड जो आपको बनाना है, पाइरो बनाना है, तो पाइरो के लिए सबसे पहले दो मॉलिक्यूल लो, उसमें से वन मॉलिक्यूल वाटर निकाल लो, तो टॉप कर जाओगे पाइरो एसिड बना के। अब देखो आपको निकाल के सीधा बना भी देता हूं। देखो आप पाइरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला देखो, आपके पास ये फॉस्फोरिक एसिड था, ये फॉस्फोरिक एसिड था, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो बीच से, ये रहा आपके पास पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे पी टू एच कैलकुलेट कर लो एच फोर और ओ कैलकुलेट कर लो ओ सिक्स ओ सेवन जो भी आ रहा है, ठीक है। दिवाली की छुट्टी मिलेगी, एक दो दिन की मिलेगी, ज्यादा दिन की नहीं मिलेगी, ठीक है एवरीबॉडी। सो ये बात समझ में आ रही है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है। अगर पाइरो सल्फ्यूरिक बनाना हो तो H2SO4, दैट्स इट, फॉस्फोरस को सल्फर से रिप्लेस करो, आंसर आ गया वापस। एवरीबॉडी वेरी गुड। दिवाली के टाइम में एक दो क्लासेस जरूर होंगी, डोंट वरी। अगर हाइपो की बात करें तो हाइपर होने पे क्या कर रहे थे, उसको परऑक्साइड दे रहे थे। दैट मींस इसमें भी करना वही है, लेकिन दो मॉलिक्यूल में से हाइपो के लिए वाटर निकाल रहे थे, यहां पे H2O2 निकालेंगे। जैसे मान लो आपको हाइपोफॉस्फोरिक बनाना हो, तो हाइपोफॉस्फोरिक बनाना है तो क्या करिए, दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसमें से H2O की जगह आप H2O2 निकाल लीजिए, काम तमाम। अगर मान लीजिए एक ऑक्सीजन ही तो ज्यादा लगा रहे हैं, अगर यहां पे बीच में ऑक्सीजन था पिछले वाले स्ट्रक्चर में, एक और ऑक्सीजन निकाल दो तो आपको निकल गया सीधा हाइपो, ठीक है वेरी गुड। अब मान लीजिए मुझे मेटा बनाना है, तो मैंने क्या बोला था IIM का स्टूडेंट टॉप करेगा, अगर वो हाइपर कभी हो तो उसको परऑक्साइड दे दो, ठीक है। टॉप समझ में आ गया, हाइपर समझ में आ गया। अब सर IIM का मतलब क्या है, दैट मींस सब में टू मॉलिक्यूल में से निकाल रहे हैं, इसमें भी टू मॉलिक्यूल में से परऑक्साइड निकाल रहे हैं, यहां पे वन मॉलिक्यूल में से वन ही वाटर मॉलिक्यूल निकालो तो फिर मेटा बन जाएगा। IIM का मतलब ये है, आई का मतलब वन है, ये वन मॉलिक्यूल में से वन वाटर निकालोगे तो मेटा बन जाएगा, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये रहा आपके सामने, वन मॉलिक्यूल में से वन वाटर मॉलिक्यूल निकालो तो ये मेटाफॉस्फोरिक बन गया। चूंकि मेटाफॉस्फोरिक एसिड अनस्टेबल है इसलिए ये डाइमर या पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ये HPPO3N के फॉर्म में पॉलीमर बना लेता है। और HPO3 कैसे बनाओगे सर, ये फॉस्फोरस वाला ऑक्सी एसिड है, सबसे पहले मैं पी डबल बॉन्ड बना दिया, फिर इसमें देखा एक OH है तो एक OH भी बना दिया, ठीक है, फिर दो ऑक्सीजन ऐसे ऐसे बना दिए, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। अब ये ऑक्सीजन के वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, HPO3 है ना, तो ये ना दो, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो ये आगे भी किसी से जुड़ेगा, ये देखो आगे फॉस्फोरिक HPO3 से जुड़ गया, ठीक है वेरी गुड भरत वेरी गुड। चलिए आइए अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर मैं N की वैल्यू 3 कर दूं तो इसको बोलते हैं साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक ट्राई साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज द रेगुलर स्ट्रक्चर, ये वही है सेम स्ट्रक्चर से, इसको बस साइकिल के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। ये इसमें क्या किया हमने, मॉलिक्यूल को लीनियर रख दिया, अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा, अगर तीन मॉलिक्यूल को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा, एंड दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है वेरी गुड। अब क्या है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि फॉस्फोरस, देखो ना फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस जो है, सारे फॉस्फोरस के एसिड जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे मान लीजिए फॉस्फोरस का मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन के प्लस वन से लेकर के प्लस फाइव तक बनता है, और नाइट्रोजन फैमिली का माइनस थ्री भी तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस थ्री भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सर, आपको कैसे पता चला, अरे हाइड्राइड्स बनाओ ना, आपको आपको भी पता चल जाएगा, एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस हाइड्राइड्स में माइनस थ्री भी तो जाता है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वैसा ऑक्सीडेशन स्टेट जो माइनस थ्री से प्लस फाइव के बीच में पड़े, लोअर एंड दिस इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। अब नाइट्रोजन फैमिली का लोअर ये है हायर ये है, इन दोनों के बीच में अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो हमेशा डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, एक तरफ ऑक्सीडाइज करेगा दूसरी तरफ रिड्यूस करेगा सिंगल रिएक्शन में, और वो लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नहीं समझ आएगा, अब समझ आएगा, देखना कैसे। ये रहा आपके सामने,
H3PO3 के बारे में बात करूं, इसमें फास्फोरस कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? प्लस थ्री। अब मैंने बोला माइनस थ्री से प्लस फाइव के बीच में जो होगा, माइनस थ्री और प्लस फाइव को छोड़ के, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड्स डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे लोअर और हायर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में। हर इंटरमीडिएट ऑक्सी एसिड्स फास्फोरस के लोअर और हायर वाले ऑक्सी एसिड, लोअर और हायर वाले कंपाउंड में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों हो रहा है? एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा है। सिंगल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो, इसको डिस्प्रोपोर्शनेट कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, ये मैं H3PO2 का एग्जांपल ले लेता हूं। H3PO2 में देखो माइनस थ्री और प्लस फाइव के बीच वाला है, यस, देन अगेन इट विल डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एज सिंपल एज दैट, वेरी गुड। अब देखना एक्शन ऑफ हीट, दिस इज द लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू स्टडी टीच एक्चुअली। सो एक्शन ऑफ हीट करने पे क्या होता है, देखो सिंपल है। हमने क्या पढ़ा था, वाटर मॉलिक्यूल निकाल निकाल के हम क्या बना रहे थे, पाइरो और मेटा। एक मॉलिक्यूल में से निकाला तो मेटा, और दो मॉलिक्यूल में से निकाला तो पाइरो। उसी तरह अगर मैं मान लो फास्फोरिक एसिड को वेरी लो टेम्परेचर दूं, 200-250 के अराउंड, केमिस्ट्री के हिसाब से वेरी लो टेम्परेचर है, सो 200-250 के अराउंड दूं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। आप देखो क्या यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, यस। पाइरो बनाने के लिए क्या करोगे, मैंने अभी बताया ना, टॉप करना है। टॉप मतलब टू मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल को जब रिलीज करोगे, यू विल फॉर्म पाइरो। अगर मेटा है तो IIM, दैट मींस वन मॉलिक्यूल में से वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करो, आंसर आ जाएगा IIM का। सो एट अ लो टेम्परेचर यू विल गेट पाइरो। व्हेन यू विल इंक्रीज फर्दर 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब फर्दर टेम्परेचर, तो आपको मेटा मिल जाएगा। सो ये सब क्या है, लास्ट टॉपिक से, ये सब दिमाग में रखने वाली बात है। अब ये पाइरो और फास्फोरस क्या है, इसका आपको फॉर्मूला रखना नहीं है। पाइरो दैट मींस टॉप, मेटा दैट मींस IIM। अगर मान लीजिए टेम्परेचर को छोड़ के वेरी हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री से ऊपर ले गए, तो इट विल डायरेक्टली फॉर्म ऑक्साइड्स, सारे वाटर मॉलिक्यूल एक बार में ही निकल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इफ वेरी लो टेम्परेचर इट विल फॉर्म पाइरो, थोड़ा सा टेम्परेचर और इंक्रीज किया इट विल फॉर्म मेटा, बट अगर 1000 से भी ऊपर टेम्परेचर चला गया इट विल डायरेक्टली फॉर्म ऑक्साइड्स। सो दिस इज द हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस। सो ये रहा आपका सबसे लास्ट टॉपिक, ठीक है। हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस की पीपीटी भी डल जाएगी और आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम हैलाइड्स एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका कल अगेन, और दिवाली में छुट्टी होगी, 2-3 दिन की केमिस्ट्री ऑफ रहेगी, लेकिन पूरे दिन, मतलब ऐसा मत समझ लेना कि चल ही नहीं रहा दिवाली में, 2 दिन की छुट्टी रहेगी, आई होप सो। और मैथ्स क्लास है, हाँ बिल्कुल है मैथ्स क्लास, आई होप मैथ्स क्लास है, हाँ तो मैथ्स क्लास 7 बजे अभी होगी, लाइव होगी SM सर की। और एक बात बता दूं, उनको सरप्राइज दे सकते हो आप लोग, आज उनका बर्थडे है, तो जाते ही वहां लिख देना हैप्पी बर्थडे सर, तो वो भी सरप्राइज होंगे, इनको कैसे पता लगा, ठीक है। और संदीप सर आ ही चुके हैं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए, और आशीष सर भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से 8 बजे और हम सेशन लें, तो थैंक, हाँ शुभम सर भी वेट कर रहे हैं कि कॉन्टेंट बनाना है उनको। चलिए थैंक यू सो मच केन स्टार्ट, आशुतोष, संदीप, अविनाश, गोला भाई, यस प्रीमियर लगा देंगे दिवाली में, अनुराग वर्मा बिल्कुल प्रीमियर लगा, हाँ लाइक ठोको, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लव चौधरी कह रहे हैं लाइक ठोको, केन थैंक यू सो मच, आई एम अ न्यू स्टूडेंट SK परिहार, यहां पढ़ के ना आपको फील आएगी केमिस्ट्री की, दिस इज व्हाट आई कैन प्रॉमिस विद यू। आकाश कह रहे हैं मेटलर्जी, बिल्कुल मैग्नीशियम और टीन का मेटलर्जी करा देंगे, डोंट वरी। कितना बाकी है पी ब्लॉक तो अभी बहुत ही बाकी है, बहुत लंबा चैप्टर है अभी। अशोक कह रहे हैं बाय बाय, ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।